वेलकम टू माय चैनल। तो आज का जो हमारा सेशन है वो है एमसीक्यू पर। तो यूजीसी नेट का जो फॉर्मेट होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे ही आता है, तो उसके जो 10 क्वेश्चन होते हैं तो मैं फ्रीक्वेंटली उनको आपको प्रोवाइड कराती रहूँगी। इससे प्रैक्टिस भी काफ़ी अच्छी हो जाती है, मीन्स आपको आए ही आना है, आपके 10 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाते हैं कि आपको याद हो जाते हैं। मीन्स अगर आप गलती भी करते तो आपको याद रहेगा कि मैंने किस टाइप के क्वेश्चन में किस तरह की गलती करी थी। तो लेट अस बिगन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म सोशियोलॉजी वाइज कोइंड बाय। तो ऑप्शन है सेंट साइमन, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त कोम्ट, डी डरकाइम। तो इसका आंसर है अगस्त कोम्ट। तो अगस्त कोम्ट जो फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहे जाते हैं, इन्होंने ही सोशियोलॉजी का नामकरण किया हुआ है, यानी कि सोशियोलॉजी सब्जेक्ट को इन्होंने ही नाम दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है, सोसाइटी इमर्जेस आउट ऑफ ए कम्युनिटी एग्जिस्टेंस, बी मैन एग्जिस्टेंस, सी प्रॉब्लम एग्जिस्टेंस, डी रिलेशनशिप। यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसकी वजह से सोसाइटी का इमरजेंस हुआ है, यानी कि किसकी वजह से सोसाइटी अपने एग्जिस्टेंस में आई है, वजूद में आई है। तो इसका आंसर है बी मैन एग्जिस्टेंस, यानी कि मैन इंसान की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए हमने सोसाइटी को फॉर्म किया। जैसे कि आप लॉकडाउन में भी देख रहे हो, एक चीज़ बंद होने से वो किस तरीके से चैन इफेक्ट में बहुत सारे लोगों को इफेक्ट डालती है, और किस तरीके से जब ये दोबारा से चीज़ें शुरू होंगी तो किस तरीके से अलग अलग जो सोसाइटी के पार्ट हैं वो दोबारा से काम करने शुरू हो जाएंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी, दिस आर ए स्ट्रक्चरल एंड इंटरैक्शनल, बी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, सी एवोल्यूशनरी एंड डिफ्यूजिव, डी स्ट्रक्चरल एंड एवोल्यूशनरी। तो यानी कि जो सोसाइटी है उसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका आंसर है फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल। यानी कि जो सोसाइटी है उसमें सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हैं, और उन फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका क्या किस तरह से स्ट्रक्चर है, यानी कि ऊपर के जो लेवल पे हैं वो किस तरह के काम करते हैं, जैसे वाइट कॉलर जॉब, ब्लू कॉलर जॉब, इस तरह से हमने अलग अलग नाम दिए हुए हैं जो अलग अलग स्टेटस पड़े हुए हैं, तो यही उसका मतलब है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, इबन खालदून कंसीव्ड अ थ्योरी ऑफ ए सोशल कॉन्फ्लिक्ट, बी सोशल चेंज, सी सॉलिडैरिटी, डी ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सोशल कॉन्फ्लिक्ट। देखो, इबन खालूद है ये अरब से थे, और इन्होंने मतलब कहा जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट थिंकर्स हैं जिन्होंने सोसाइटी के बारे में बात करी है, और इनकी जो थ्योरी है यानी कि जो सबसे पुरानी कहा जाता है कि सोशियोलॉजी हिस्ट्री में कितनी पुरानी है, तो ये यहाँ इनके बारे में बात की जाती है, इबन खालदून के बारे में। तो अगला क्वेश्चन है, सोशियोलॉजी इमर्ज इन ए अमेरिका, बी यूरोप, सी एशिया, डी अफ्रीका। तो जो सोशियोलॉजी है एज ए सॉलिड सब्जेक्ट, एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट, वो कहाँ पे मर्ज हुआ? मैं मॉडर्न सोशियोलॉजी की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट कि हिस्ट्री में भी थी इनके थिंकर्स, लेकिन एज ए मॉडर्न सब्जेक्ट, एज ए सेपरेट सब्जेक्ट वो हुई है यूरोप में। तो अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन द ईयर ए 1789, बी 1776, 1798, डी 1898। तो इसका आंसर है ए 1789, यानी कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन इस साल हुआ था। अगला क्वेश्चन है, द इनविंसिबल हैंड ऑफ द फ्री मार्केट इज ऑफन यूज्ड इन रेफरेंस टू विच ऑफ फॉर्म ऑफ सोसाइटी, ए कैपिटलिस्ट, बी सोशलिस्ट, सी कम्युनिस्ट, डी नन ऑफ दिस। यानी कि जो इनविजिबल हैंड है फ्री मार्केट का, वो कौन किस तरह की सोसाइटी में देखने को मिलता है? या तो उसका आंसर है कैपिटलिस्ट। एडम स्मिथ थे, उन्होंने कैपिटलिस्ट फॉर्म की वकालत की थी, और उन्होंने कहा था कि इनविजिबल हैंड के बारे में, फ्री मार्केट के बारे में उन्होंने वकालत करी थी। और ये जो ट्रेडिशनल कैपिटलिस्ट मार्केट है, जो ट्रेडिशनल था इसकी फॉर्म, उसमें किसी भी तरह से गवर्नमेंट का, स्टेट का जो कंट्रोल था उसको बिल्कुल तरीके से मना कर दिया था कि
मार्केट को फ्री तरीके से, फ्री फ्लो में उसको बहने चाहिए, क्योंकि ये मानना था कि फ्री फ्लो रहेगा तो लोगों का जो टैलेंट है, लोगों का जो मनी सप्लाई है वो रियल होगा और उससे मार्केट अपने आप ही पुश होता रहेगा। लेकिन ये बाद में गलत साबित हुआ था। जैसे कि आप देखते हो कि गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, फूड सब्सिडी प्रोवाइड कराती है, और भी अलग-अलग तरह के मॉनेटरी सपोर्ट देती है, तो ये एक तरीके से गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है मार्केट में। अगला क्वेश्चन है, द टर्म अनॉर्म इन सोशियोलॉजी इज नियरेस्ट इन इट्स मीनिंग टू ए डेवियंस, बी नॉर्मलेसनेस, सी इंस्टेबिलिटी, डी हेट्रोजेनिटी। तो सोशियोलॉजी में एक टर्म है अनॉर्म, तो इसका जो मीनिंग है इन दिए गए ऑप्शन में से सबसे पास किसके है, तो वह है बी नॉर्मलेसनेस। ये भी जो कॉन्सेप्ट था ये माइल्ड अर्कहाइम के द्वारा इसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, और इसका जो एनआईएम का मतलब है सोशियोलॉजी में वो नॉर्मलेस नेस से काफ़ी पास है। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फ्रेंच सोरोकिन, ये सोरोकिन है। तो ऑप्शन है ए इमाइल डरखाइम, बी जॉर्ज करविच, सी WW लॉस्टो, डी मॉरिस गिन्सबर्ग। तो इसका आंसर है जॉर्ज गर्विच। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु रोट लेवेथियन, ए हीगल, बी हॉब्स, सी रूसो, डी लॉक। तो इसका आंसर है रूसो। और ये जो रूसो हैं, ये जो जितने भी आप पढ़ रहे हो, हीगल, हॉब्स, रूसो, लॉक, इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, जिसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हो, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय ही ये जो और सब थिंकर्स थे उन्होंने सोसाइटी के बारे में भी बताना शुरू किया, क्योंकि ये नॉर्म था कि मोनार्की को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता क्योंकि ये गॉड के द्वारा फॉर्म हुई है, लेकिन हुआ उल्टा। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, और आज आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टाटा बाय बाय।